हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल आर स्मिता फैक्टी ब्लॉग। सो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूं। सो फैमिली, आज है प्रदोष व्रत, रवि प्रदोष व्रत। तो रवि प्रदोष व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रदोष व्रत, जैसा कि सारी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली जानती है कि मैं प्रदोष व्रत करती हूँ। और प्रदोष व्रत एक साल में 24 बार आता है, यानी हर महीने में दो बार आता है। एक कृष्ण पक्ष में पड़ता है, त्रयोदशी के दिन द्वादशी, और त्रयोदशी में कभी द्वादशी में लग जाता है, कभी त्रयोदशी में एकादशी के बाद पड़ता है। और एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में, दोनों में पड़ता है। और मैं दोनों ही व्रत करती हूँ। प्रदोष व्रत का काफी वीडियो हमने अपलोड कर रखा था, लेकिन किसी कारणवश मुझे कुछ डिलेट भी करना पड़ा। लेकिन अभी है प्रदोष व्रत का वीडियो इसमें, तो आज है रवि प्रदोष व्रत। एक बार फिर से आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। रवि प्रदोष व्रत में भोले बाबा का पूजा होता है, गणेश भगवान, माता पार्वती का, भोले बाबा का। और जैसा कि भोले बाबा ही सब परिवार सहित हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो पूरे परिवार की पूजा होती है। उनका पूजा जैसे पंचामृत से कच्चा दूध, दही, शहद, चीनी और देसी घी गाय का, उसमें मिला करके पंचामृत बना करके उनका, जैसे रुद्राभिषेक होता है उसी तरह से पूजा की जाती है। और फिर गाय का दूध भी चढ़ाया जाता है, गंगा जल, बेल पत्र, धतूरे का फूल, आक का फूल, शमी पत्र, कुछ प्रसाद, भोग, यही सब चढ़ा करके पूजा की जाती है। उनका मंदिर भी बहुत लोग जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा मंदिर नहीं जा पाती हूँ, घर में ही पूजा कर लेती हूँ। आज भी मैं सोच रही हूँ मंदिर जाने के लिए, पता नहीं जा पाऊंगी कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन व्रत तो हम करते ही हैं, तो आइए आज दिन भर भगवान भोले बाबा की याद में, उनकी आराधना में बिताते हैं सब लोग मिल करके एक साथ। भगवान, तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। भगवान, तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक भी मिठास नहीं, वाणी में तनिक भी मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। भगवान, तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। और अब मेरा पूजा पाठ हो गया है, तो मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए सबके लिए। काफ़ी लेट भी हो गया था, इस तरह के पूजा पाठ में लेट हो ही जाता है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी करने का मैं प्रयास करती हूँ। और आलू टमाटर की सब्जी बना देंगे, रोटी और पूड़ी, बच्चों के लिए पूड़ी, मम्मी जी के लिए रोटी, क्योंकि वो पूड़ी नहीं खाती हैं। आलू उबाल के पचफोरन, मिर्चा का तड़का, जीरा का देंगे सिर्फ, और टमाटर आलू की सब्जी बना देंगे। क्योंकि जब भी हम व्रत रहते हैं उस दिन लहसुन प्याज नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरा हाथ भी महकने लगता है, और नहीं बनाते हैं ताकि सब लोग ऐसे ही मतलब बिना लहसुन प्याज का खा लें। और साथ में पूड़ी बना देंगे, तो यही हम बनाए थे। टमाटर डाल देंगे, टमाटर के बाद नमक डाल देंगे, गल जाएगा, थोड़ा सा रस के लिए पानी लगा देंगे, नमक डाल दिए, और पक भी जाएगी जल्दी। आलू बॉयल करके हम रख लिए थे पहले ही। सुबह उठे, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर में चाय बना करके दिए सभी को, मतलब सभी को क्या, सिर्फ बच्चों के पापा को, वही पीते हैं। और फिर नहाए, फूल तोड़े, पूजा का बर्तन धोए, ये सब किए, बहुत मतलब भागम भाग हो जाता है। और आज संडे था, तो संडे में कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है, और भी बहुत से काम होते हैं जो कि आदमी हर मतलब ऑन स्क्रीन नहीं बताया जा सकता है ना, तो इसलिए कुछ तो अपने पर्सनल ही काम हो जाते हैं, उसके लिए भी समय चाहता है। और अब मेरी सब्जी बन गई है,
सबसे पहले मैं रोटी बनाऊंगी, माता जी को दूंगी क्योंकि उन्हें भूख लगी है। ये पूड़ी भी बनाए थे हम, तो पूड़ी सब्जी आप सभी के लिए। ये मतलब वीडियो लेने में हो गया है, पहले हम रोटी बनाए थे मम्मी जी के लिए और उनको रोटी सब्जी दे चुके हैं और बच्चों को भी खाना खा लिए पूड़ी सब्जी। और अब हम अपने लिए किचन साफ़ करके गैस पोछ करके चाय बनाए हैं, अभी तक चाय नहीं पिए थे। साथ में काजू भी थोड़ा सा तल लिए हैं, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए, काजू तल खा लीजिए। और अब दिन भर बीतने के बाद मैं शाम को संझवत जलाने आ गई हूँ, संझवत भी जला लूँगी। तो जो सुबह यहाँ पे सब फूल वगैरह चढ़ाए रहते हैं प्रसादों से, सब हटा देते हैं शाम को और संझवत जला देते हैं। और साथ में तुलसी मैया को भी दीपक जला देंगे हम। तुलसी मैया को हमेशा, मतलब सिर्फ कार्तिक में नहीं, हमेशा शाम को वहाँ पे उनके गम चौबारे पे मैं दीपक रख देती हूँ। ये देखिए, और अब कपूर की आरती भी हम दोनों मीटिंग करते हैं, सुबह भी शाम भी। और संझा जलाने के बाद ये चाय सबके लिए, आप लोग भी पी लीजिए शाम की चाय। आखिरकार मुझे दिन भर के बाद, भागम भाग के बाद बैठने का समय मिल ही गया। दिन भर भागे हैं, आज दिन भर भागती रही हूँ। छोटा सा दिन है, नहीं समझ में आता है कि कैसे, हमको तो लगता है कि मुझे करने नहीं आता है या काम होता नहीं है। दिन भर लग जाता है एकदम, पूरी ठंड से अभी तक स्वेटर भी नहीं पहनते, अभी संझा जला करके स्वेटर वेटर पहन करके चाय लेकर के बैठे हैं। तो आप लोग बताइए, शाम की चाय आप लोग पी कि नहीं, और पी लीजिए आप लोग भी चाय। और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि मेरा दिन भर का रूटीन आप लोगों को कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, और बेल आइकन को याद से प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि अगर मेरा वीडियो देखना होगा तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी कुछ खाने पीने के लिए बनाएंगे अपने लिए फलाहार में, देखिए क्या बनाते हैं। मंगाए हैं अपने बेटे से सिंघाड़े का आटा, अगर मिल जाएगा तो उसी का पकौड़ी बना लेंगे, नहीं तो फिर आलू फ्राई कर लेंगे। जो भी करेंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। हाँ, तो मेरे बेटे को सिंघाड़ा काटा मिल गया था, मतलब हम बोले थे ना कि पैकेट वाला मिलेगा तभी लेना, खुला मिलेगा तो मत लेना। फिर सिंघाड़ा नहीं मंगवाए थे क्योंकि कौन कुटता इस समय शाम को, लेकिन पैकेट वाला सिंघाड़ा काटा मिल गया था। और आलू बॉयल करके हम रख लिए थे, तो ये धनिया की पत्ती, जीरा, सिंघाड़ा का आटा और हरी मिर्चे को काट करके इसमें इस तरह से मैश कर लेंगे। वैसे तो हम माँ की रसोई एंड हैंडक्राफ्ट पे इसकी रेसिपी शेयर किए हैं, लेकिन ब्लॉगिंग है तो इसमें भी, जब बना रहे हैं कर रहे हैं तो इसमें भी इसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। और इस तरह से टिक्किया बना बना के फ्राई कर लीजिए, और दही है तो दही से भी खा लीजिए, ठंडी का दिन है तो कौन दही खाएगा। तो इसी तरह से, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को खिला रही हूँ, आप लोग खा लीजिए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड भी करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। जय भोलेनाथ।